दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि संसद में साध्वी प्रज्ञा ने दोबारा मांगी माफी, कहा मैंने गोडसे का नाम नहीं लिया। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने के कारण भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को सदन में दोबारा माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैंने गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, मैंने नाथूराम गोडसे का नाम नहीं लिया, लेकिन यदि किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। और इससे पहले भी आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी और खेद जताया था। उन्होंने कहा था मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन यदि किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं माफी मांगती हूं। आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखा गया। प्रज्ञा ठाकुर के मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपको बता दें, साथ ही उन्होंने नाम के लिए बगैर राहुल गांधी पर भी हमला किया और उन्होंने कहा कि सदन के एक सदस्य ने मुझे आतंकी कहा, जबकि मुझ पर अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और बिना आरोप आतंकी कहना गैर कानूनी है। मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है, मेरे सम्मान पर हमला कर अपमानित किया गया है। और बता दें कि प्रज्ञा ने आज भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे ने संभाला मुख्यमंत्री पद का कार्यभार, कल बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। जी हां दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आज कार्यभार संभाल लिया है और वहीं कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और एनसीपी विधायक दिलीप वालसे पाटिल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कल नवनिर्वाचित ठाकरे सरकार को बहुमत साबित करना पड़ सकता है और कार्यभार संभालने से पहले अपना आवास मातोश्री से निकलने के बाद उन्होंने पहले हुतात्मा चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य भी इस दौरान मौजूद रहे और सचिवालय में ठाकरे समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। कार्यभार संभालने से पहले ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था और गौरतलब है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन शिवसेना के पास महज 56 विधायक हैं। हालांकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों के विधायक की संख्या मिलाकर 154 है और ये बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन देने के लिए कहा है और इसी के साथ शिवसेना ने दावा किया है कि उनके पास 162 विधायकों का समर्थन है। और दोस्तों वही अगली खबर में आपको बता दें कि राष्ट्रपति राजपक्षे की घोषणा, कहा श्रीलंका में भारतीय मछुआरों की पकड़ी गई सभी नावों को छोड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों आपको बता दें श्रीलंका से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के साथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की है और प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति को जीत की बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपनी पहली विशेष यात्रा के लिए भारत को चुना और पद संभालने के दो हफ्ते के भीतर भारत में हमें उनका सम्मान करने का मौका दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपसी सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के विरुद्ध आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर मैंने राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ विस्तार से चर्चा की है और बताया गया है कि भारत इसके मद्देनजर श्रीलंका को राशि भी प्रदान कर रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का दावा, महाराष्ट्र में अकेले लड़कर पूर्ण बहुमत हासिल करती पार्टी। जी हां दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में सत्ता गंवाना भारतीय जनता पार्टी को बेहद खल रहा है। भाजपा के हर नेता की जुबान पर आजकल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम है। लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया के सामने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का दर्द छलक उठा। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा अकेले लड़ती तो पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा शिवसेना को जनादेश दिया, लेकिन शिवसेना नई शर्तों के साथ आ गई जिसे मानना हमारे लिए संभव नहीं था और ये गठबंधन विचारधारा को किनारे रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री तो बना दिया है, लेकिन वो उनका पहला हश्र करेंगे जो कर्नाटक में कुमार स्वामी का हुआ है। और उन्होंने कहा कि यहां पर तो शिवसेना ने जनादेश
देश का अपमान किया और बाला साहब के सिद्धांतों को खत्म कर कांग्रेस की गोद में बैठकर सत्ता पाई है। और देश भर में भाजपा के सिमटने जाने पर शहनवाज ने कहा कि हमने महाराष्ट्र में 70% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा सीटें जीती और पार्टी का विस्तार हो रहा है, हर जगह हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। और दोस्तों मैं एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि नेताजी के प्रपोत्र चंद्र कुमार बोस ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय रणनीति बंगाल में नहीं होगी कारगर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपोत्र तथा भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने राज्य में उपचुनाव के नतीजों में पार्टी की हार के बाद आत्ममंथन का आह्वान किया है। और उन्होंने बताया ट्वीट करके कि श्री बोस ने कहा कि भाजपा की अखिल भारतीय रणनीति स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि पर लागू नहीं होगी। और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नाम ना लिए बगैर चंद्र कुमार बोस का इशारा एनआरसी की ओर है, जिसे बंगाल की जनता ने खारिज कर दिया है। और गौरतलब है कि गुरुवार को घोषित उपचुनाव के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटों पर खड़गपुर सदर, करीमपुर तथा कलियागंज जीत कर भाजपा को दूसरे स्थान पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि श्री बोस ने ट्वीट में कहा है कि राजनीतिक दलों को बंगाल में अपनी जनता के लिए काम करने और उत्थान के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने में दिलचस्पी लेनी चाहिए, ना कि इसे केवल राजनीतिक जीत के लिए वोट बैंक के रूप में विकसित करने में। आपको बता दें ये रणनीति राज्य में काम नहीं करेगी, क्योंकि बंगाल के लोग राजनीतिक रूप से तेज और सूक्ष्म होते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए भाजपा में शुद्धिकरण की जरूरत है तथा स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि के लिए एक विशेष रणनीति बनानी होगी। और दोस्तों वही एक और खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति को छोड़ गोवा की ओर बढ़े संजय राउत, कहा जल्द होगा एक और चमत्कार। यह दोस्तों आपको बता दें जो कि खबर महाराष्ट्र से आ रही कि महाराष्ट्र में एक लंबे समय तक राजनीतिक खेल खेलने के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत ने गोवा के लिए तैयारी करने में जुड़ गए हैं। उन्होंने अपने एक ताजा बयान में कहा कि अब शिवसेना गोवा में भी जल्द सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और गोवा के पूर्व सीएम विजय सरदेसाई तीन विधायकों के साथ शिवसेना के साथ गठबंधन कर रहे हैं और एक नया राजनीतिक मोर्चा गोवा में आकार ले रहा है। और आपको बता दें ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जल्द ही गोवा में भी आपको एक चमत्कार दिखाई देगा। इसके बाद उनसे जब एक कोर्ट द्वारा देवेंद्र फडणवीस को समन जारी करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं, हम अभी गोवा की राजनीति में व्यस्त है, महाराष्ट्र की राजनीति खत्म है। और संजय राउत ने इसके साथ ही एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी महाराष्ट्र के बाद हम गोवा की ओर हैं, लेकिन ये अब देश भर में होगा, शिवसेना देश भर में आगे बढ़ेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा महाराष्ट्र के बाद ये गोवा में होगा, फिर हम अन्य राज्यों का भी रुख करेंगे, हम इस देश में एक गैर बीजेपी राजनीतिक मोर्चा बनाना चाहते हैं। और दोस्तों वही अगली बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। आपको बता दें कि अब हवाई जहाज से भी ज्यादा सकेंगे रामलला के दर्शन करने, अयोध्या में बनेगा एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है और इसके साथ ही अयोध्या के व्यापक कालाकल्प की तैयारी भी हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सहयोग से अब उत्तर प्रदेश अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने जा रही है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने शीघ्र ही हवाई जहाज से भी जाया जा सकेगा और इसके लिए प्रदेश अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने जा रही है। और यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया है। हरदीप पुरी ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव मिल चुका है और प्रदेश सरकार वहां पहले से स्थित एयर स्ट्रिप को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत एयरपोर्ट विकसित करना चाहती है और इसके लिए प्रदेश सरकार 6.40 अरब रुपए पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार ने 1 नवंबर को ही जमीन खरीद के लिए 1.25 अरब रुपए और जारी किए हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आपने अगर अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक जैसा कि मैंने कहा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फडणवीस को समन जारी, चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों को खुलासा ना करने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नागपुर पुलिस ने गुरुवार को एक स्थानीय अदालत द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक मामले के संबंध में समन जारी किया गया है। फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप है। आपको बता दें कि सदर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा है कि समन नागपुर में फडणवीस के घर पर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक इस मामले ने तेज
तेजी तब पकड़ी जब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली। और बता दें कि फडणवीस नागपुर से विधायक है। मजिस्ट्रेट अदालत ने 1 नवंबर को एक आवेदन पर सुनवाई की थी, जिसमें कथित रूप से खुलासा न करने के लिए भाजपा नेता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। आपको बता दें कि शहर के वकील सतीश उफे ने अदालत में एक आवेदन दायर कर मांग की थी कि फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। तो दोस्तों भाई, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बंगाल से, आपको बता दें कि ममता ने कहा 2021 से पहले हो चुकी है भाजपा की उल्टी गिनती शुरू, अन्य राज्यों की तरह भाजपा को झारखंड में भी हार मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कालियागंज, खड़गपुर सदर और करीमपुर में तृणमूल के उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। और इस जीत से गदगद तृणमूल प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जनादेश करार दिया है और कहा है कि जनता ने भाजपा के अहंकार का जवाब दिया है। बनर्जी ने कहा कि धर्म निरपेक्षता और एकता के पक्ष में और एनआरसी के खिलाफ जनादेश है, क्योंकि भाजपा ने अपने अहंकार और राज्य के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जिसका वह परिणाम भुगत रही है। और दोस्तों भाई, अगली एक और बड़ी खबर में आपको बता दें कि जल्द होगा रायगढ़ का विकास, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक में रायगढ़ के विकास के लिए मुझे सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पहला निर्णय है जो इस कैबिनेट ने लिया है, 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। ज्ञात हो कि वीरवार मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख ठाकरे समेत शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के दो दो मंत्रियों ने भी शपथ ली है। निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समारोह में नहीं पहुंचे। शपथ ग्रहण के 2 घंटे पहले तीनों पार्टियों ने सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी, नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% प्राथमिकता और सेक्युलर मूल्यों पर दृढ़ रहने का वादा भी किया गया है। और दोस्तों भाई, अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आपको बता दें पाकिस्तान में 29 नवंबर को 50 स्थानों पर छात्रों की मार्च इस वजह से कर रहे हैं विरोध। आपको बता दें पाकिस्तान में छात्र छात्राओं ने देश के अलग अलग 50 स्थानों पर छात्र एकजुटता मार्च के लिए छात्र कार्रवाई समिति के तहत मार्च करने के फैसला लिया है। और छात्र बेहतर शिक्षा सुविधाओं, फीस में कमी, छात्र संघों की बहाली, यौन समानता और परिसरों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें प्रगतिशील और वामपंथी छात्रों ने किसानों और मजदूरों सहित समाज के अन्य वर्गों का समर्थन हासिल किया है। तो दोस्तों जान लेते हैं देश भर में पेट्रोल और डीजल के रेट क्या चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, जानिए कितने बढ़ गए हैं दाम। आपको बता दें पेट्रोल और डीजल दोनों के भाव में आज यानी कि शुक्रवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के कई महानगरों में आज शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल बढ़े हुए दाम पर मिल रहा है। तो आपको बता दें कि आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल किस भाव में बिक रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का भाव 5 पैसे की तेजी के साथ 74.81 रुपए पर और 1 लीटर डीजल का भाव भी 5 पैसे की ही बढ़ोतरी के साथ 65.78 रुपए पर बना हुआ है। और दोस्तों भाई, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मुकेश अंबानी बने दुनिया के 9वें सबसे धनी व्यक्ति। जी हां, गूगल के लैरी पेज को छोड़ा पीछे। तो दोस्तों आपको बता दें कि फोर्ब्स की द रियल टाइम्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे धनी उद्योगपति हैं। और आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में फोर्ब्स द्वारा किए गए 2019 के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर थे। और गुरुवार को रिल का बाजार पूंजीकरण 10 लाख करोड़ को पार कर गया और इस मुकाम पर पहुंचने वाली ये पहली कंपनी रही। मुकेश अंबानी के धनी बनने का श्रेय इसे भी दिया जा सकता है। आपको बता दें फोर्ब्स के द रियल टाइम्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार आरआईएल के चेयरमैन का रियल टाइम नेटवर्थ गुरुवार को 6,80,000 करोड़ था और सूची में सबसे ऊपर अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस हैं जिनकी गुरुवार को रियल टाइम में वर्थ 11,300 करोड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।